लौटा सको तो टूटा विश्वास लौटा दो, लौटा सको तो टूटा विश्वास लौटा दो, बादल बनो धरा की प्यास बुझा दो। मजबूर हो तुम सच्चा प्यार नहीं दे सकते, मजबूर हो तुम सच्चा प्यार नहीं दे सकते, झूठा ही सही प्यार का एहसास तो करा दो। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के 17वें एपिसोड में। हर एपिसोड में नई सेलिब्रिटी एक नई पहचान के साथ आपके पास मौजूद होते हैं, उनकी जर्नी को लेकर के, उनकी लाइफ जर्नी को लेकर के, ताकि हम उनसे इंस्पायर हो सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। आज ऐसे ही दो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शिवनाथ मिश्रा जी और देवदत्त मिश्रा जी। शंकर जी, विलायत खान,
गुलाम अली खान का भी हमने गाना सुना है, अमीर खान का सुना है, सामने से बनकर यहाँ कॉन्फ्रेंस होता रहा संगीत परिषद, उसमें हम लोग छोटे थे तो जाते थे, तो सुनने से भी हम लोगों को संगीत का जो है जितना ज्ञान हुआ उसको हम लोग करते आ रहे हैं। और हमारा संगीत जो है, हम लोग जो संगीत कर रहे हैं गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से कर रहे हैं। आजकल स्कूल कॉलेज में संगीत सिखाया जाता है, वह उस उतना अच्छा नहीं सिखाया जा सकता जाता है जितना कि मतलब गुरु शिष्य परंपरा से जो सीखते हैं। और आजकल लोग डिग्री के चक्कर में भी हैं, मतलब डिग्री ले लेते हैं, मगर पूर्ण रूप से राग हासिल नहीं कर सकते क्योंकि वह कोर्स के हिसाब से राग होता है। हमारा संगीत तो आगे बढ़ रहा है, बड़ी खुशी की बात है। हमारे लड़के देवव्रत मिश्रा भी हमारे साथ जो उसको आगे बढ़ा रहे हैं संगीत को, हमारे शिष्य लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमारा संगीत जो है हम लोग प्योर क्लासिकल संगीत करते हैं। आपने सितार को क्यों चुना? सितार को हम इसलिए चुने कि पहले हम गाना गाते थे तो हमारे चाचा जी जो थे वो हमारा आवाज़ उतना अच्छा नहीं था, गले में उतना खटका नहीं था, तो हमारे चाचा जी एक तो सितार ले आए और बोले बेटा तुम सितार सीख। तो पहले शुरू में हमारा मन नहीं लगता था सितार ले जाने, क्योंकि हमारे लिए नया वाद्य था, क्योंकि हमारे घर में हमारे भाई लोग, हमारे चाचा जी, हमारे पिताजी सब लोग गायन करते थे, तो हमारे लिए नया चीज था कि सितार। मगर चाचा जी को थोड़ा ज्ञान था सितार का, उन्होंने हमने अंगुली रखा दिया सितार पर, और जब वो गाना गाते थे तो हम उसको फॉलो करते थे। तो हमको फिर पहले शुरू में तो मन नहीं लगता था, फिर बाद में धीरे 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 हमको सितार जो है बहुत उसमें बजाने से बड़ा मन में शांति मिलता था, और यही हम फिर सितार अपना उसको आगे बढ़ाते गए। और शुरू में हमारा 8 घंटे 7 घंटे का प्रैक्टिस था सितार, उसको करते गए करते गए, बहुत रागों को बजाया, बहुत लोगों का सुना, कुछ अपना टेक्निक भी हमने अपना बनाया, लोगों का देखा कि किस तरह से बजाते हैं सितार, उससे किया किस तरह से हमारा संगीत आगे बढ़ा। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि रियाज बहुत ज़रूरी है संगीत के लिए, दूसरा सुनना भी बहुत ज़रूरी है, आपको सुनते रहना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा लेते हैं आपके घराने में सितार की शुरुआत तो फिर आपने की है, सितार की शुरुआत तो आपने की है। हाँ, सितार की शुरुआत हमने की है। देवव्रत मिश्रा जी, आपने क्यों सितार चुन लिया? देखिए ऐसा था, पढ़ाई हमारी माँ चाहती थी, हमारी माँ भी पंडित किशन महाराज जी के परिवार से थी, तबला वादन उनकी मां जी थी, तो संगीत परिवार से वो भी थी, तो वो हमको चाहती थी दोनों, संगीत और सितार, पढ़ाई और सितार दोनों कर। तो मैं जब पढ़ रहा था तो घर का जो वातावरण था वो संगीतमय ही था, तो जैसे कभी कोई साइंस का क्वेश्चन हो या कोई मैथ का क्वेश्चन हो तो पापा से पूछते थे, तो पापा बता देते कि बेटा संगीत का कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, मैथ से तो हम नहीं जानते या साइंस नहीं जानते, तो इस तरह से वातावरण घर का मेरा संगीतमय था। मैंने शुरू में अपनी माँ से तबला सीखा, फिर मैंने तबला के साथ गायन भी सीखा, सरोद भी मैं थोड़ा बहुत बजाता हूँ, संतूर भी मैंने बजाया, लेकिन सितार जो वाद्य था वो मेरे दिल में उतर गया। और मैं चूँकि अपने जीवन में एक आइडल होता है, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, तो हमारे मैं पिताजी को फॉलो करता था, और मेरे जैसे एक मेरे हीरो जिसको कहते थे वो मेरे फादर थे, तो उनको देखता था स्टेज पे देखता था, तो लगता था कि एक दिन मैं पिताजी की तरह बनूंगा और उनकी तरह सितार बजाऊंगा। तो इस तरह से मेरी जो बचपन में एक जिज्ञासा थी कि पापा और पिताजी स्टेज परफॉर्म जैसे कर रहे हैं उसी तरह करो, तो उसी तरह धीरे धीरे मैंने सितार पर अपना लिया। और जैसे संगीत तो मैंने कब सीखा मालूम नहीं, क्योंकि घर का वातावरण ऐसा था, हमारे घर में जैसे लोग बच्चों को देते हैं टॉय देते हैं, तो हमारे घर में बच्चों को टॉय की जगह तबला सितार हारमोनियम दे दिया जाता था, तो बच्चे उसी पे खेलते थे, तो हम लोग इसी तरह बढ़े। हमारे कजन्स भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं वो लोग। दूसरे ये है कि जैसे सरगम होता है, तो
मैं जब छोटा था, जिस दिन से मेरा जन्म हुआ, मेरे फादर हमारे कानों में हर बार सारे गम हर रोज करते थे। तो जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मम्मी पापा कहने की जगह मैंने सारे गम कहना शुरू कर दिया। तो संगीत कब सीखा ये पता नहीं, लेकिन हाँ सितार जो मैंने चूज किया वो हमारे पिताजी की देन है, और इन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया, इतने प्रेम से सिखाया, कभी डांटा नहीं। अच्छा मैं एक चीज़ जानता हूँ पिताजी के विषय में कि इन्होंने कभी भी किसी भी अपने शिष्य को डांटा नहीं, और हर शिष्य को अपने पुत्र की तरह ही सिखाया जो शिक्षा इन्होंने दी। इनफैक्ट इन्होंने अभी एक ऐसी किताब लिखी है जो अभी पब्लिश हुई है पिलग्रिम स्पिरिट से, वो जो यहाँ पे बनारस के बहुत से कलाकार अपनी विद्या किसी को नहीं, वो केवल शिष्य या पुत्र को देते हैं, लेकिन पिताजी ने वो बुक लिख के अपनी 129 बढ़ाना है आगे 129 कंपोजिशंस को लिख के सभी विद्यार्थियों के लिए वो अगर सीखें से चाइना सीखे वो अवेलेबल करा दिया। तो ये बनारस के संगीत के सितार के इतिहास के लिए बहुत बड़ी किताब देखना जरूर चाहूँगा, लेना जरूर चाहूँगा। जरूर आपको आपके सितार तो पिताजी के माध्यम से लिए और आप भाग्यशाली भी समझते हैं क्योंकि पढ़ने से मेरा मिश्रा जी आपके साथ रहे हमेशा, आपको हमेशा प्यार से सिखाते रहे। लेकिन एक रुचि जो आपने बोला कि आपको बचपन से सारे गामा सुनाया गया, सितार आपने रियाज किया और सर ने भी रियाज की बात कर रहे हैं, रियाज आपको कितना महत्वपूर्ण है किसी भी संगीत को सीखने के लिए, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए? देखिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसे आपकी भावना, रियाज का वो अर्थ होता है कि आपकी भावनाएं तो बहुत हैं, आप जैसे किसी चीज़ को लिखना चाहते हैं तो अगर आपको कलम पे लिखना कहानी शब्द नहीं बनाने आता है तो आप चाहे जितनी भी भावना आप रख लीजिए वो आप नोट नहीं कर सकते। तो उसी तरह रियाज है, आपकी भावनाएं तो आपसे सा से प जा रहे हैं, सा प म द प ग म द प रे सा, अब ये भावना है आपकी, तो आपका जब उंगली नहीं चलेगा सितार पे तो कैसे ये भावना को आप प्रेषित कर सकते, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे? तो उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है। बिना रियाज के संगीत, बिना रियाज के कुछ नहीं, चाहे गायन हो, वादन हो, नृत्य हो, चाहे जिस विधा रियाज करेंगे तभी हम स्टेज पर प्रोग्राम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम आप लोगों का होता है पढ़ाई में तो आप लोग बहुत फास्ट लिखते हैं ना, उसके रियाज करते हैं। अगर आपको एक दिन दे दिया जाए कि आपको ये परीक्षा देना है आप लिखिए 5 साल बाद, तो वो स्पीड नहीं आएगी। आप प्रश्न जानते भी हैं तो वो प्रश्न नहीं पूरा कंप्लीट कर पाएंगे 3 घंटे में, तो आपको स्पीड होना चाहिए, आपका वो हाथ सेट होना चाहिए, कमांड होना चाहिए, वो कमांड रियाज से आता है। ये दौड़ती भागती जिंदगी में टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो दिन पर दिन उसका पतन होता जा रहा है, उसका महत्व कम होता जा रहा है, उसके संदर्भ में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए है क्या कि अभी जो यंगस्टर है, हम कभी कभी बड़े बड़े शहरों में प्रोग्राम देने जाते हैं तो वहाँ पे कॉन्सर्ट्स में, हमारे कॉन्सर्ट में केवल सीनियर्स आते हैं, बहुत कम यंगस्टर्स आते हैं। उसका कारण क्या है कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये संगीत जो है वो लंबा आलाप खींच लेना और कैसे इतना 2 घंटे बैठो, तो प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम जो यंग लिसनर्स हैं उनके अंदर वो शांति नहीं है। क्या वो 2 घंटे नहीं बैठ सकते, वो मेडिटेट नहीं कर सकते? आज आप बड़े बड़े गुरु के पास जाते हैं तो गुरु क्या करते हैं, जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं, आज बहुत से यंगस्टर्स आध्यात्मिक गुरुओं के पास क्यों, क्योंकि बहुत से श्री श्री रविशंकर जी के पास जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको एकाग्र मंचित करने के लिए होते हैं। वही संगीत है, आप 1 घंटे तो बैठे तो संगीत आप सुनो, आप समझोगे तो वो आनंद आएगा। आप ये सोचते हो कि आलाप कर रहे हैं, ये आलाप नहीं होता है, ये जो है कि आपको आत्मिक शांति देता है। हम बहुत रॉक एंड रोल सितार बजाते हैं तो वो आपके आपके माइंड को इफेक्ट करेगा, आपके हार्ट को टच नहीं करेगा। तो हार्ट को टच करने के लिए आपको सुरीला सितार बजाना है या सुरीला गाना है, जैसे पुराने गाने होते थे फिल्मों के, वो आज भी याद है, लेकिन आज इतने गाने आ रहे हैं जो कंप्यूटराइज्ड है, जो सिंथेसाइजर है उसमें जो है इलेक्ट्रिक है, तो रोज बन रहे हैं सॉन्ग। वो आपको हमको तो नहीं याद है पूरा गाना, किसी को याद होगा, लेकिन पुराने गाने जो होते थे
सबके दिलों पे इफेक्ट करते थे क्योंकि वो राग रागनियों को ज्यादा राग रागनी को होता था। तो अभी क्या है कि यंग जनरेशन देखिए वेस्ट की ओर भाग रहा है। हम जो है पॉप जैसे वहाँ का पॉप है रॉक है वो कॉन्सर्ट्स होते हैं तो यहाँ पे लोग दो दो चार चार हजार रुपये का टिकट दे के सुनने जाते हैं। अगर बनारस में रहे तो दिल्ली में कोई ग्रुप आ जाए तो दिल्ली जाएंगे सुनने बॉम्बे सुनने जाएंगे। अगर यहीं पे कोई बड़ा कलाकार भी आ जाए तो अरे छोड़ो कहाँ जाएंगे क्लासिकल के बनारस में होगा अरे आज तो ये काम होगा। उसका कारण क्या है कि हमारे जो हम लोग दूसरे को फॉलो करें आज हम अमेरिका को फॉलो करेंगे यूरोप को फॉलो करेंगे लेकिन ये बात नहीं समझ रहे कि आप हमारे घर में भी आए हैं तो देखिए कितने अमेरिकन यूरोपियन आके पांव छू रहे हैं वो हमारी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। तो हमको तो ये डर लग रहा है कि कुछ सालों बाद हमारे जो अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो 20-25-50 साल बाद ये होगा कि भारतीय लोग जाके अमेरिका में सिद्धार्थ और योगा का हो गया मेडिटेशन का भी हाँ मेडिटेशन जितना यूरोप में अमेरिका में है उतना इंडिया में नहीं। तो लोग यहाँ से जा रहे हैं लोग वहाँ से क्यों इसका ये कारण है कि हमारे हमारे सरकार को हमारे हमारे जो जितने भी विभाग जो कल्चरल डिपार्टमेंट है इन सबों को इन सब धरोहरों को बचाना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों तक जन जन तक पहुँचाना चाहिए। बनारस खराने का कितना बड़ा योगदान है आपके संग हम लोग आपके संग जी हम लोग बनारस के ही हैं तो हमारा जो सितार है हम पिता पुत्र बनारस घराना गायकिस्ट है गायकी है जैसे ठुमरी ढोंग है। देखिए बनारस में चार पट की गायकी है ध्रुपद खयाल ठुमरी और टप्पा चार पट की गायकी बनारस और बहुत कम घरानों में ये चीज है वो इंस्ट्रूमेंटल हम लोग करते हैं। हमारे आप सितार वादन में ध्रुपद भी मिलेगा ख्याल भी मिलेगा ठुमरी मिलेगा और टप्पा भी मिलेगा। टप्पा जो है बहुत कठिन स्टाइल है वो भी हम लोगों ने कोशिश की हाँ पिता पुत्र ने टप्पा को भी डाला है जो कि आई थिंक वर्ल्ड में बहुत कम सितार आर्टिस्ट है। अब इसे ठुमरी में ले लूँ रे अब ना बजाओ शाम रे एक प्रोग्राम आपने बजाया
उसके बाद वही तारीफ होगी, नहीं ये लड़का हूँ, अलग बात है, कुछ बात है। लेकिन अप्रोच के लिए लोग यहाँ दौड़ेंगे, ये ऑफिस दौड़ेंगे, मेरा कराइए मेरा कराइए, तो उसमें नहीं होता। उसमें आप अपना समय व्यर्थ करते हैं, आपको लोग करें हाँ हाँ कराएंगे कराएंगे। तो मैं मेरा ये सोचा, मैं भी एक पिताजी के पिताजी ने मुझसे भी यही कहा, बेटा ये सब चक्कर में मत पड़ो, अपना काम करो, जहाँ पे तुम अच्छा रियाज करोगे, अच्छा बजाओगे, तो तुम्हें चार लोग पूछेंगे। तो शॉर्टकट मैंने नहीं मारा, मैं सदैव ये चाहता हूँ कि बच्चे अच्छा बजाएं, संगीत को बढ़ाएं, संगीत को बढ़ाने का काम करें। अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि लोग हर चीज़ देखते हैं, अभी अपने बच्चों को कंप्यूटर सिखाते हैं, इसमें कितना फैमिली का भी इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मेरे पास कई बच्चे आते हैं, बोलते हैं सर मैं, मेरे फैमिली अलाउ नहीं कर रहा है, लेकिन मैं संगीत सीखना चाहता हूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ, पहले फैमिली से अपनी परमिशन लाइए, तो बोलते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि संगीत में जाएँ, क्योंकि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। तो ये सुन के बहुत दुख होता है कि हम इसमें लोग सोचते हैं कि फ्यूचर नहीं। देखिए मैं अगर संगीत कर रहा हूँ तो आई कैन सर्वाइव विथ म्यूजिक, मैं संगीत से सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन ये मेरे मन में था कि मैं संगीत ही करूँगा, चाहे मुझे रोटी और नमक से मेरा गुजारा करना पड़े, लेकिन मैं संगीत ही करूँगा। मैं संगीत छोड़ के अभी मैं किसी बिजनेस में नहीं चला जाऊँगा या मैं किसी और काम में नहीं जाऊँगा, संगीत ही करूँगा। तो इस वजह से ये आपको कॉन्फिडेंस लगाना होगा कि अगर आपको संगीत सीखना है, संगीत करना है, तो इसमें बहुत सी परेशानियाँ हैं। और सच्चा संगीतकार वही होता है जो परेशानियाँ झेल कर आगे बढ़ता है। आज अगर जाकिर हुसैन आज इतने बड़े कलाकार हैं, तबला वादक हैं, पंडित रविशंकर जी हैं, तो उन्होंने क्या अपने जीवन में परेशानियाँ नहीं झेली होंगी? या हमारे पिताजी हैं पंडित विश्वनाथ साहब, बहुत आती है, मगर उसमें उसके बाद भी हम लोग परेशानी को देखते हुए मगर अपना काम रियाज अपनी साधना उसमें कमी नहीं करते, क्योंकि तो हमको संगीत से लगाव है, हमारे मन में हमको है कि हमको संगीत को आगे बढ़ाना है। तो जब हमारे मन में संगीत होगा तो हम अच्छा संगीत करेंगे, लोगों को सुनने वाले खुश होंगे हमारा संगीत सुनकर। इस तरह से हमारा यही बस युवाओं को यही मैं कहूँगा, मैं भी युवा हूँ और उनके लिए यही हम दोनों पिता पुत्र यही संदेश देंगे कि डोंट फॉलो शॉर्टकट, आप संगीत करते जाओ और आप अगर ये करते जाएंगे सक्सेस आपके पास चल के आए, आपको सक्सेस के पास नहीं जाना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, क्योंकि हर जगह आप लोग दोनों नहीं पहुँच सकते, हर जगह पंडित सिद्धनाथ मिश्रा नहीं पहुँच सकते, हरचन देव मिश्रा जी नहीं पहुँच सकते, तो जो लोग संगीत सीखना चाहते हैं जिन तक आप तक का पहुँच नहीं है, वो किस तरीके संगीत की तरफ आगे बढ़े, वो कैसे संगीत का रियाज करें, वो कैसे सीखें? देखिए हमारे बनारस में एक कहावत है, पानी पिए छान के और गुरु करे जान के। तो अच्छे गुरु के पास जाएंगे तो अच्छा संगीत। आज आप इंडियन आइडियल की तरफ जाएंगे, मैं इसको बहुत खुले तौर से बताऊंगा कि आप जो कितने इंस्टीट्यूट बनारस में खुले हैं कमर्शियलाइज्ड इंस्टीट्यूट, आप उनसे जाके राग दरबारी पहले दवाइए, जो वहाँ टीचर है, मैं उनसे चाहता हूँ कि राग दरबारी, राग अड़ाना, ये सब दो चार दस राग पहले आप उनका सुनिए, तब आप गुरु उनको मानिए। भीमसेन जोशी जी को आप जानते हैं, आप जसराज जी को जानते हैं, आप किशोरी अमोलकर जी को जानते हैं, परवीन सुल्ताना जी को जानते हैं, नाम सुना है? लिया है, आप जानते हैं। आप मुझे चौथा इंडियन आइडल बताइए कौन था, कोई जानता है? नहीं जानते? देखिए यही शॉर्टकट है, आप मुझे पांचवा बताइए, किसी को भी नहीं मालूम है। लोग झूठे बच्चों को गलत रास्ते पे डाल रहे हैं कि आपको म्यूजिक एल्बम निकल, एक म्यूजिक एल्बम निकलने से क्या होगा, क्या कोई जसराज जी बन पा रहा है, कोई भीमसेन जोशी बन पा रहा है? आप फिल्म लाइन में एक गाना गा दो आपको पद्मश्री पद्म भूषण मिल जा रहा है। मैं अगर फिल्म में अगर सितार बजा दूं तो मुझे कल पद्मश्री पद्म भूषण मिल जाए,
तो फिल्म डिसाइड करेगा कि कौन कलाकार है कौन नहीं है, ये गलत है। हमारी जो संस्कृति है वो हमारे संस्कृति जो है शास्त्रीय संगीत से बनी है। A.R. रहमान है वो शास्त्रीय संगीत जानते हैं तब वो A.R. रहमान बने, तभी वो ऑस्कर जीते भी। हाँ तभी वो ऑस्कर जीते हैं, वो कर्नाटक संगीत के जानकार हैं। नौशाद थे कोई जमाने में, उन्होंने पूरा शास्त्रीय संगीत पर वो फिल्म का गाना बनाते थे। तो जो 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 संगीत डायरेक्टर है सोनू निगम, वो सोनू निगम इतना अच्छा क्लासिकल गाते हैं, वो सीखे हुए हैं क्लासिकल, ये श्रेया घोषाल ये लोग। तो आप बनना तो चाह रहे हैं लेकिन आप वो देख नहीं रहे कि क्लासिकल जो कल्चर है, क्लासिकल म्यूजिक उनके पास है, वही उनके पास पावर। लता मंगेशकर लता मंगेशकर जी जैसा कौन उसके जी कोई नहीं। एक बार बिस्मिल्ला खान साहब से बात किसी की हो रही थी तो वो बोले कि एक लता में कमी है, लता मंगेशकर में। तो लोगों ने पूछा क्या कमी है, कहीं मैं कितना भी चाहता हूँ कि बेसुरी हो जाए लेकिन वो बेसुरी नहीं होती, वो हमेशा सुर में रहती है लता मंगेशकर। तो कैसे इतना सुर में रहता, सुर उनका इतना पक्का है, इसका कारण कि उन्होंने अपने पिताजी अपने अपने फैमिली लोगों से, हृदयनाथ मंगेशकर जी भाई हैं बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने शास्त्रीय संगीत सीखा। और वो कल्चर वो जैसे पानी हल्का पानी नहीं छिछला पानी नहीं है वो हैवी, वो लोग जहाँ पे भी गा देंगे सक्सेस रहेंगे। तो ये बस ये बात मैं कहूँगा कि संस्कृति को बचा के रखें और आप अपना एम गलत मत डालिए। तो गुरु करें जान, आप पहले समझिए कौन गुरु है। सही, आप किसी इंस्टीट्यूट में 4 साल सीखे संगीत, वो इंस्टीट्यूट सही नहीं है तो आप कहेंगे कि अरे भारतीय शास्त्रीय संगीत गलत है, हमको हम आगे नहीं बढ़ पाए, गलत है। आपके गुरु अगर सही नहीं है तो आप सही होना चाहिए, गुरु सही होना चाहिए। तो देन पानी पिए छान के गुरु करे जान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सिद्धार्थ मिश्रा जी ने और देवदत्त मिश्रा जी ने हमें बताया कि संगीत प्रयास के बिना नहीं है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रयास करना पड़ेगा। सर ने अभी बोला कि 7-8 घंटे रियाज करते हैं, तो हमें भी करना पड़ेगा अगर हम संगीत को अपनाना चाहते हैं, उसको जीवन करना बनाना चाहते हैं। और दूसरा संगीत ये है सेवा है, तो सेवा की भावना से आप लोगों को फील आना चाहिए कि आप गा रहे हैं या आप बजा रहे हैं। जब तक वो महसूस नहीं होगा आप दूसरों को खुश नहीं कर पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको आप गुरु बना रहे हैं उसकी परीक्षा आप भी ले लीजिए, क्या सच में वो गुरु के लायक है। क्योंकि जितने इंस्टीट्यूट खुले हैं वो गारंटी नहीं देंगे आपको कि आप कितना अच्छा सीख सकते हैं, क्योंकि एक क्लास में एक टीचर 30 बच्चे और किस तरीके से सिखाता बहुत महत्व। और यही हमारी भारत की संस्कृति है, गुरु शिष्य परंपरा। तो एक गुरु की दायित्व होता है नीचे गुरु कि मेरा शिष्य अगर मेरे पास आ रहा है तो उसको मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, उस परंपरा को निभाना है। और गुरु बहुत जानती कीजिए, मुझे मेरे कैमरा में सौरभ को इजाज़त दीजिए, फिर से एक नए एपिसोड में नए लोगों के साथ इनकी जीवनी के साथ मौजूद होंगे। धन्यवाद।
Thank you.